दिल्ली की आईपीएल में सबसे बड़ी जीत, गुजरात को उसके घर में बुरी तरह रौंदा। दिल्ली में कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से एक तरफा अंदाज में हरा दिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मैच में गुजरात पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 89 रन के स्कोर पर सिमट गई थी। जीटी के केवल 3 खिलाड़ी ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। दूसरी ओर लच का पीछा करते हुए उत्तरी दिल्ली को काफी अच्छी शुरुआत मिली, क्योंकि जैक फ्रेजर मैकर ने दूसरे ओवर में ही टीम का स्कोर 20 से पार पहुंचा दिया था। मैकगर का बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए। इसी बीच लगातार विकेट गिरने से दिल्ली भी संघर्ष की स्थिति में नजर आने लगी है। पहले मेरकर, फिर पृथ्वी का 100 का विकेट गिरने के बाद साई होप और अभिषेक पोरेल ने कमान संभाली। अभिषेक ने लो स्कोरिंग मैच में मात्र 7 गेंद में 15 रन बनाए और साथ ही 2 चौके और 1 छक्का भी लगाए। दिल्ली का स्कोर परवलिए और 6 ओवर में 67 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन टीम के 4 विकेट भी गंवा चुकी थी। हालांकि अब टीम को जीत के लिए मात्र 23 रन चाहिए थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने से डीसी की बल्लेबाजों पर दबाव आने लगा था। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी संभाली, जिन्होंने विवाक अंदाज में 11 गेंद में 16 रन की पारी खेलकर टीम की 6 विकेट से जीत सुनिश्चित की। 67 गेंद शेष रहते हुए दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई इस जीत से उनका नेट रन रेट बहुत बेहतर हो गया है। पहले मैकगर, फिर पृथ्वी का 100 का विकेट गिरने के बाद साई होप और अभिषेक पोरेल ने कमान संभाली। अभिषेक ने लो स्कोरिंग मैच में मात्र 7 गेंद में 15 रन बनाए और साथ ही 2 चौके और 1 छक्का भी लगाए। दिल्ली का स्कोर प्रवेल्पी के 6 ओवर में 67 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन टीम 4 विकेट भी गंवा चुकी थी। हालांकि अब टीम को जीत के लिए मात्र 23 रन चाहिए थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने से डीसी की बल्लेबाजों पर दबाव आने लगा था। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी संभाली, जिन्होंने विवेक अंदाज में 11 गेंद में 16 रन की पारी खेलकर टीम की 6 विकेट से जीत सुनिश्चित की। 67 गेंद शेष रहते हुए दिल्ली द्वारा प्राप्त की गई जीत से उनका नेट रन बहुत ही बेहतर हो गया है।